हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं आपका भाई आपका दोस्त सागर सचल फिर से आ गया हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है संदीपनी आश्रम का होने वाला है। संदीपनी आश्रम उज्जैन के मंदिर के शहर से 2 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस जगह का पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गुरु संदीपनी इस आश्रम का उपयोग श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और उनके भाई बलराम को पढ़ाने के लिए करते थे। इस जगह का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। अब इस आश्रम को एक मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जो गुरु संदीपनी को समर्पित है। इस आश्रम के पास एक पत्थर पर 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी है, और ऐसा माना जाता है कि यह गिनती गुरु संदीपनी द्वारा लिखी गई है। गाइस, क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। मामा कंस का वध करने के बाद बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में आने के बाद वे 64 दिनों तक यहाँ रुके थे। इन 64 दिनों में उन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी। गाइज, 14 विद्याओं वाला जो गैलरी है, यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर कैमरा ऑफ कर दिया था। और अगर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर आओ, और आपको यहाँ का एड्रेस ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको हर जगह से इस एड्रेस यहाँ का एड्रेस पता चल जाएगा। ये आश्रम बहुत ही शांत है, माहौल है। आपको यहाँ पर आने के बाद मतलब आपके दिल को ठंडक पहुँचेगी आने के बाद। मेरी पूरी फुल गारंटी है कि आप जब यहाँ पर आओगे आपको दिल को फुल सुकून मिलने वाला है, आपके दिल को फुल ठंडक मिलने वाली, और बहुत ही शांत और शानदार जगह है। आपको लगेगा कि सच में ही आश्रम है। संदीपनी आश्रम के पास गोमती कुंड स्थित है, जो कि एक छोटी पानी की टंकी है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण ने पवित्र केंद्रों के सारे पानी को गोमती कुंड की ओर मोड़ दिया था, ताकि गुरु संदीपनी को आसानी से पवित्र जल मिलता रहे। गुरु संदीपनी के समय में इस आश्रम में युद्ध कलाएं भी सिखाई जाती थी, तथा दिन के अंत में अत्याधुनिक संगरेखण ही मुख्य उद्देश्य था। तो गाइज़, यहाँ से प्रारंभ होता है 64 कलाओं का गैलरी। तो गाइज़, जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ दिखा दूँगा, क्योंकि अभी जो है सूर्य ऑपोजिट साइड है, तो इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट करो, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, यहाँ पर बहुत शानदार लगने वाला है। मैं फुल गारंटी है मेरी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। और मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ, फिर भी मेरा बार बार यहाँ आने का मन करता है। ये शायद मैंने यहाँ पर 4th टाइम या 5th टाइम विज़िट किया है, तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर विज़िट करो, और आपको मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा।
तो गाइस यहाँ पर समाप्त होता है हमारा उज्जैन का ब्लॉग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फिर से उज्जैन आप विज़िट करूँगा और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और गाइस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, हेल्दी रहे।